जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों अभी आप सभी को मैं थोड़ा अभी अजीब सा दिख रहा हूँ क्योंकि मैं अभी सो के उठा हूँ और जस्ट आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सुबह 5:30 बजे ये वीडियो शूट हो रही है, आपको ये वीडियो 8 बजे देखने को मिल जाएगी। तो प्लीज एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जब मैंने यहाँ पर पोको M2 प्रो की न्यूज दी ना, MIUI 12.5 अपडेट रिलीज हो गया है, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे यकीन ही नहीं हो रहा था। और कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको यहाँ पर कह रहे थे जब मैं प्रूफ दो तो प्रूफ भी शेयर किया, तो प्रूफ शेयर करने के बाद भी उन लोगों को यहाँ पर विश्वास हो ही रहा था कि पोको M2 प्रो के अंदर MIUI 12.5 अपडेट रिलीज हो गया है। तो वीडियो में आगे सब कुछ मैं कहानी बताने वाला हूँ, तो एक बार वीडियो में लास्ट तक जरूर पर आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि आप सभी को यहाँ पर जितने भी अपडेट्स मिलते हैं सबसे पहले इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाते हैं, चाहे टेलीग्राम चैनल हो चाहे यूट्यूब चैनल हो। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में इस वीडियो के ऊपर 1000 व्यूज होने तक आप लोग यहाँ पर इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक्स को कम्प्लीट करें, क्योंकि जो आज की न्यूज है ना काफी अच्छी है, इस खातिर यहाँ पर 500 लाइक्स हो जाने चाहिए, क्योंकि इस वीडियो पर 1000 तक व्यूज चल जाएंगे। इसलिए आप सभी को कह रहा हूँ कि 500 तक आप लोग आराम से लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट। देखिए दोस्तों, यहां पर कल पूरे टेलीग्राम के ऊपर पूरे यूट्यूब कम्युनिटी पेज के अंदर सबसे पहले न्यूज किसने शेयर की, मैंने शेयर की थी, ठीक है। उसके बाद यहां पर कुछ लोग कह रहा था कि न्यूज यहां पर किसी और ने सबसे पहले शेयर किया, तो मैं उनको बता दूं यहां पर जो न्यूज आई थी ना, स्क्रीनशॉट जो आए थे, सबसे पहले मेरे पास मिस्टर नावेद खान ने भेजा था टेलीग्राम चैनल के ऊपर, मुझे पर्सनली भी वो शेयर किया था और जो हमारा टैग इनबिट वाला जो चैट सपोर्ट ग्रुप है उसके अंदर भी शेयर किया था। वो शेयर करने के बाद मैंने उनसे प्रूफ मांगा, प्रूफ भी मांग लिया, फिर उसके बाद मैंने अपने मेन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना उसके ऊपर अपलोड किया। उसके बाद वो अपलोड होने के बाद कई लोग कहने लगे थे स्क्रीनशॉट काफी वायरल हो रहा है ये वाला, पर वो रियल स्क्रीनशॉट है, कोई यहां पर फेक नहीं था, क्योंकि लोग बोल रहे थे यहां पर 2-3 ही लोग थे जो बोल रहे थे फेक थे, बाकी लोग तो यहां पर अच्छे विश्वास करते हैं। तो देखिए जो अपडेट रिलीज हुआ है वो रियल में वाक्य में यहाँ पर अपडेट रिलीज हुआ है, और लोग मुझसे लिंक मांग रहे थे तो मैंने कहा कि कुछ देर रुक जाओ, और मैंने लिंक आखिरकार यहाँ पर रात को 11 बजे से पहले ही अपलोड कर दिया था लिंक को, जो रिकवरी लिंक है। ओटीए लिंक तो नहीं है और ओटीए लिंक अभी आने भी नहीं वाला, क्योंकि जो ये अपडेट अभी बीटा फेज के अंदर, इसलिए यहाँ पर अभी ओटीए लिंक नहीं मिलने वाला है। रिकवरी रूम के जरिए करना है तो आप लोग कर सकते हो। तो एक चीज बताऊं, ये अपडेट रिलीज हो चुका है, अपडेट फाइनली इंडिया में रिलीज हो गया है। जैसे हमने आपसे भी कहा था कि 20 नवंबर से पहले रिलीज होगा, तो 20 नवंबर से पहले ये अपडेट रिलीज हो गया फाइनली इंडिया के अंदर। और अपडेट का वर्जन आप लोग सुनोगे ना तो आज तक कभी भी ऐसा अपडेट रिलीज नहीं हुआ है। इस अपडेट का वर्जन है MIUI 12.5.0.7। हमेशा क्या होता है कि 12.5.1.0 होता है, नहीं तो 2.0 होता है, ये 0.7 है। काफी एक अच्छा अपडेट यहाँ पर रिलीज हो चुका है फाइनली, जितने लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे ना, आखिरकार अपडेट रिलीज हो ही गया। अपडेट का साइज की हम बात करें तो 797 MB का ये अपडेट साइज, जब आप लोगों को ये ओटीए के जरिए मिलेगा तो इतना ही अपडेट साइज देगा जाएगा। और एक और चीज बता दूं, जब ये अपडेट रिलीज होगा ना तो ये इस वर्जन के साथ रिलीज नहीं होने वाला, जैसे MIUI 12.5.0.7 है ना, इस वाले वर्जन के साथ ये अपडेट रिलीज नहीं होगा। अपडेट के यहाँ पर चेंज होएगा, क्योंकि अभी ये बीटा फेज में इसका यहाँ पर जो बिल्ड नंबर है उसको चेंज कर दिया जाएगा, पर रहेगा MIUI 12.5 भी। और यहाँ पर ये सभी अपडेट, सभी पब्लिक जो यूजर है उन सभी को भी 20 नवंबर तक मिलने स्टार्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि अभी इस बीटा फेज के अंदर रिलीज करा गया मी पायलट के, इस अपडेट को रिलीज करा गया। अब वो लोग यहाँ पर बोलेंगे कि हम भी तो मी पायलट, हमको क्यों नहीं मिला? तो मैं भी बता दूं, मैं भी मी पायलट यूजर हूं। ऐसा नहीं है कि हरदम आप सभी को मी पायलट यूजर्स को ये अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेगा, यहाँ पर कंपनी की मर्जी है, जिसको सबसे पहले अपडेट देना हो दे देगी। IMEI नंबर के हिसाब से भी यहाँ पर अपडेट को यहाँ पर रोल आउट करा जाता है, जिस डिवाइस यहाँ पर फैक्ट्री अंदर पहले बना उसके अंदर अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर बहुत ही कम यूजर्स को कल रात को अपडेट मिला था, और पूरे टेलीग्राम के ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट कहाँ पे आ रहे थे, हमारा जो चैट सपोर्ट ग्रुप है ना उसके अंदर। और उस समय तक किसी ने भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया था, क्योंकि हमने पोको M3 प्रो की भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले शेयर की, उसमें MIUI 12.5 अपडेट रिलीज हो गया, और पोको M2 प्रो की भी हर जगह हमने सबसे पहले शेयर की, तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे पता है यहाँ पर लोगों को विश्वास नहीं होता, क्योंकि अभी हमारी इतनी पहुंच है नहीं, ये अभी हमारा सिर्फ 2000 के आसपास ही फैमिली है, इसी कारण ज्यादा लोगों को यहाँ पर विश्वास नहीं होता है। पर कोई ना वो टाइम भी है जो हमारे पास भी ज्यादा सपोर्ट होगा, तो बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर सबसे पहले यहाँ पर अपडेट्स की न्यूज देखने को मिल जाती है। तो इसलिए कह रहा हूँ टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब रही बात इस अपडेट के अंदर क्या कुछ खास देखने को मिलता है, तो मैं इस अपडेट को कहीं ना कहीं से डाउनलोड करके, क्योंकि मैं लिंक के जरिए ट्राई करता हूँ, अगर डाउनलोड हो जाता है तो ठीक है, और नहीं तो मैं यहाँ पर ओटीए का वेट करूंगा। और बाकी आप सभी को इसका टॉप फीचर्स, बैटरी ड्रेन और भी यहाँ पर कई रिव्यूज लेकर आऊंगा MIUI 12.5 अपडेट करने के बाद। और एक चीज बता दूं कि यहाँ पर इसमें वॉइस चेंजर का फीचर देखने को नहीं मिला, ये फीचर पहले ही बता दे रहा हूँ आपको कि इस अपडेट के अंदर वॉइस चेंजर का फीचर देखने को नहीं मिला है। तो आपसे बता दूं कि आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, क्योंकि फ्यूचर में आप सभी को और भी अपडेट से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलने वाली है। और जिन लोगों को विश्वास नहीं होता है ना कि
अपडेट रिलीज हुआ, तो विश्वास करना सीख लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के ऊपर कभी भी ऐसे गलत न्यूज नहीं फैलाते हैं। हम आप चैनल के ऊपर सबसे पहले यहाँ पर न्यूज प्रोवाइड करते हैं और हमेशा ही कन्फर्म होकर और प्रूफ के साथ ही रिलीज करते हैं। तो बताना नीचे कमेंट बॉक्स में आपके पोगो M2 Pro के अंदर MIUI 12.5 अपडेट रिलीज हुआ है कि नहीं हुआ है, और आपने रिकवरी रूम के जरिए डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है कि नहीं किया, नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो यहाँ पर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स वाली देखने को मिल सकती है अगर इंस्टॉल हो जाए तो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।